स्टार प्लस किसकी जो गुम है किसी के प्यार में भी, सब ये डिसाइड करती है कि वो कंगन जो रीवा के हैं उसे लौटा देगी। मजबूरी वश सबके सामने वो कंगन जो रीवा के लिए अक्का साहब लाई थी वो सभी को पहनाने पड़े, क्योंकि सब लोग वहीं पर अक्का साहब से पूछने लगे कि बहू के लिए कंगन कहाँ है। अक्का साहब को तो कुछ भी नहीं पता था, उसने सब कुछ रीवा के लिए किया था, इसलिए रीवा ने अपने कंगन तुरंत सभी को दे दिए पहनाने के लिए। सभी ये बात जानती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो रीवा के कंगन अपने पास रखे। वो ईशान से यही कहती है कि मैं रीवा मैम का ये कंगन उन्हें लौटा रही हूँ, और इसके पहले मैं आपको ये बात क्लियरली बता रही हूँ। ईशान बहुत गुस्से में है और वो सभी से कहता है, मुझे तुम कुछ भी मत बताओ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हारे जो मन में आए वही करो। सही अचानक से शॉक्ड हो जाती है ईशान का रिएक्शन देखकर। उधर दूसरी ओर अस्मिता सभी को समझाती है कि उसे इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सभी और ईशान साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं, और साथ ही इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि ईशान दिल का बहुत अच्छा है। सभी एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, वो तो सिर्फ पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करने जाती है, लेकिन अस्मिता ने एक छोटी सी चिंगारी लगा दी है। अब देखना होगा सभी की ज़िंदगी कैसे बदलती है, जानने के लिए देख